सो हे गाइस, विशिंग यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है अभी 8 बजे के करीब यहाँ पे भुवनेश्वर में, और अभी मैं ऐसे जस्ट रेलवे स्टेशन से निकल के चौराहे पे जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग ये पेंट लगा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई वॉज सो इनक्रेडिबली हैप्पी टू सी दैट, और मैंने तुरंत जाके लगवा लिया है। तो अभी पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है अभी। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मैंने ऐसा कुछ किया है, और मुझे जस्ट ऑसम। बाय द वे, मैं भुवनेश्वर में घूम रहा हूँ, मुझे पता नहीं है किधर जाना है, क्योंकि आज का दिन तो यहाँ काटना पड़ेगा दोस्त। अभी ये जगह भी क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, बस ये पता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर है। पता है यहाँ पे सबसे जो बड़े शहरों में आप आते हो ना, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी सुबह सुबह सब कुछ क्लोज रहता है यार, 8 बजे कुछ भी नहीं खुला हुआ होता है। अभी मेरे जैसा इंसान जो भुवनेश्वर आया है सिर्फ घूमने के लिए, तो आई हैव नो वेयर टू गो। मैंने सोचा चलो सत्यमेव जयते या गोल्ड देख लेते हैं। अभी टिकट ही खाली नहीं है भाई, मतलब सबसे स्क्रीन का जो सबसे पहला सीट है ना उसमें कहीं एक टिकट खाली है 11 बजे 1 बजे तक। फिर मैं बीच में जा नहीं सकता क्योंकि आई हैव सम वर्क, और दैट आई वॉन्ट टेल यू राइट नाउ, आई वॉन्ट टेल यू। तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पैदल चल चल के, जब थक जाऊँगा तो देखता है। अभी मॉर्निंग वाइब इतनी सही लग रही है मुझे। वैसे अच्छी बात यह है कि शहर के अगल बगल ही अच्छा अच्छा सा लग रहा है मुझे, मतलब स्टेशन के अगल बगल ही। यूजली स्टेशन के अगल बगल कहीं पे कुछ होता नहीं। सो फाइनली आई हैव फाउंड अ प्लेस, और यहाँ पे नाश्ते में आलू के पराठे मिलते नहीं हैं उड़ीसा साइड में, तो आई एम गोना हैव इडली सांभर कोल्ड ड्रिंक, देखते कॉम्बो कैसा रहता है। बाय द वे आई एम लविंग दिस प्लेस, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है। हाँ इडली के साथ कुछ और भी है सांभर के अलावा मुझे लग रहा है। थैंक यू भैया, द फूड वॉज सो फिलिंग एंड इनक्रेडिबली टेस्टी। आई एम सो फिल्ड राइट नाउ, आई कुड स्लीप फॉर 8 आवर्स। टाइम इज 9:20 अप्रॉक्स, और हम जा रहे हैं कावासाकी भुवनेश्वर। मैंने ओला ऑटो किया है। एक्चुअली इन उड़ीसा देर इज ओनली वन कावासाकी शोरूम विच इज इन भुवनेश्वर। इस जगह पे मंदिर बहुत है यार, जब इट्स अ नाइस सिटी। अभी तक बर्फबारी तो हो रही थी, काफ़ी अच्छी वाली अभी धूप निकली हुई है, अब ह्यूमिडिटी होगी मुझे लग रहा है। फाइनली कावासाकी के स्वरूप पहुँच गया मैं, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है इंडिपेंडेंस डे के दिन। मैं शोरूम जा रहा हूँ, आई हैव जस्ट रीच टू दिस कावासाकी शोरूम। कुछ तो पक रहा है, अभी मैं खुद भी डिसाइडेड नहीं हूँ, इसलिए आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू रिवील द प्लान्स। आई हैव टू मैन्युफैक्चरर्स इन माई माइंड, वन इज बेनेली, वन वुड बी कावासाकी। सो आई एम स्टिल डिसाइडिंग वट टू चूज। एक्चुअली पहले मुझे ये भी बहुत अच्छी लग रही थी दिस वन, बट अभी ये मेरे से चलती नहीं है यार, और डेड वन इज निंजा 650। ये ब्लू कलर वैसे बहुत बेकार लग रहा था, पर अभी इन पर्सन काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी लंबी भी है। एंड देन देर इज वन मोर थिंग, दैट इज Z900, दैट्स वॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट टू रिवील द प्लान्स। ओके, सो यही मेरा प्लान था एक्चुअली भुवनेश्वर आने का, बस यही एक रीज़न था जिसलिए मैं उतनी दूर से यहाँ आया हूँ झारसुगुड़ा से। अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है अभी, क्योंकि कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई एम सिटिंग हियर वेटिंग फॉर माई टेस्ट राइड टू हैपन। बहुत खुशी हो रही है, at least I have planned something. But Ninja 650 na in person is looking very beautiful. Kawasaki Z900 muscular, it's like a bull, racing bull.
एक्चुअली ये दूसरा ब्लॉग है, है ना, ये दूसरा ब्लॉग है। तो यार उसी कपड़े में ये दो ब्लॉग अच्छे नहीं लगेंगे ना। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं एक टी शर्ट लेके आया था तो पहन के देख लेता, थोड़ा स्टाइल भी तो मारना चाहिए। तो बाय द वे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दोज गाइज टू कम, सेल्स गाइज टू कम एंड गिव मी अ टेस्ट राइड। देर से बाल वाल बांध के स्टाइल मार रहा था, अब तो रबड़ भी टूट गया यार। चलो खैर बिना रबड़ के ही चलेगा, जब तक ठीक है ठीक है, बिखर जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, तेरे नाम देखना और क्या। सो फाइनली टेस्ट बाइक आ गई है, सो आई एम गोना बी टेस्ट राइडिंग दिस Z650 एंड Z900 बिकॉज निंजा 650 इज प्रोबली नॉट अवेलेबल फॉर टेस्ट राइड। मतलब मैं 10 बजने में शायद से 20 मिनट कम होगा तब मैं पहुंचा था यहाँ पे, अभी 2:40 हो रही है, बट फिर भी मेरे को बुरा नहीं लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना वो, हम बाइकर्स की एक्साइटमेंट, तो इसलिए आई स्टिल आई एम नॉट फीलिंग दैट बैड। आई मीन वेट वॉज लाइक रियली बोरिंग, बट आई थिंक शुड बी वर्थ वाइल। सो आई जस्ट टुक द टेस्ट राइड ऑफ बोथ द बाइक्स, Z650 एज वेल एज Z900, और अभी मैं बहुत गंदा कन्फ्यूज हो गया हूँ। तो अभी मैं Z650 की अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट राइड, बहुत गंदा कन्फ्यूज हुआ हूँ यार मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, पैसे बचाने हैं तो निंजा 650, खर्च करने हैं तो Z900, लेकिन Z900 में तो फील है ना बाप रे बाप। मतलब मैं चला रहा था तो एक्चुअली देखो 200cc अपन ने चलाई ऑनेस्टली, उसके अलावा मैंने कोई सुपर बाइक नहीं चलाई, और यार अपन किसी से मांग नहीं पाते कभी किसी से तो ऐसी कोई चीज़ हो सुपर बाइक। तो क्या है कि मेरी ये पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने 650cc कोई मोटरसाइकिल चलाई, एंड इवन दैट फर्स्ट राइड ऑफ G650 वॉज एक्सिलरेटिंग फॉर मी। और उसके बाद मैंने Z900 चलाई है ना, देर वॉज दिस बैक व्हील स्पिन, वो हो रहा था यार, खतरनाक सीन था। तो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डिसाइड, विल बी अ सीक्रेट टिल लाइक 2 months, और उसके बाद देखो डिसाइड करता भी कोई नहीं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है मेरे को। चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ का जो स्टाफ है ना वो बहुत अच्छा है यार, मतलब कावासाकी भुवनेश्वर, थैंक यू रियली, मतलब थैंक यू फॉर होस्टिंग मी, क्योंकि मैं दूसरी बार में निंजा 650 निकलवा रहा हूँ, इनका ये अटक गया है, उसके बावजूद भी लोग निकाल रहे हैं, तो वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे रिस्पेक्ट कस्टमर्स एंड एवरीथिंग। और ये मैं स्पॉन्सर्ड होकर नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, मतलब दे आर लाइक सो वार्म वेलकमिंग एंड सो एमिकेबल गाइज, आई जस्ट लव दैट। अभी Z650 मेरे लिए वापस से निकाल रहे हैं यार, मैं मतलब कन्फ्यूज हूँ एक्चुअली, निंजा 650 एंड दिस Z900, आई माइट नॉट एंड अप बाइंग एनीथिंग, लाइक आई माइट एंड अप बाइंग ट्रायम्फ ऑल्सो, सो इट्स नॉट श्योर, आई एम जस्ट टेकिंग अ टेस्ट राइड। सो हेयर आई एम अगेन टेस्ट राइडिंग द Z650, देखते अभी कैसी है वापस से, थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा क्योंकि Z900 ने स्पॉइल कर दिया पूरा फील। Z900 इज सुपर वहाँ हो गई, अभी टेस्ट राइड वगैरह हो गई, ओला बुक करी है मैंने शेयर वाली पैसे बचाने के लिए, तो जा रहा हूँ अभी मॉल वॉल जा रहा हूँ। चलो भैया बड़ा टाइम ले लिया यार आपने, बढ़िया मेंटेन कर रखी यार आपने ओला। Z900 की राइड ने ना बर्बाद कर दिया मुझे, दैट रिफाइनमेंट ऑफ 4 सिलेंडर। निंजा 650 लेनी है ना तो कभी भी Z900 की राइड मत लेना। काफी बड़ा मॉल दिख रहा है यार, अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं अभी क्राउड कैसा है, कुछ खाने पीने को क्या मिलेगा, उसके अलावा I cannot tell you how confused I am right now. This is the peak of confusion between choosing 2 bikes. Or maybe I could go to the 3rd one. Happy Independence Day. भीड़ बहुत है लेकिन यहाँ पे बहुत तेज भूख लगी है भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं। स्वतंत्रता दिवस पे सारे के सारे लोग मॉल आए हुए हैं आज, भीड़ खतरनाक हो रही है यार। यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना।
सो दिस मॉल इज एक्चुअली रिमाइंडिंग मी ऑफ एम्बियंस मॉल गुड़गांव. बहुत बड़ा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है. खास करके बड़ा होना हो, मतलब इसमें ब्रांड्स और शॉप्स का जो चूज़ किया इन्होंने ना, बहुत ऐसा मतलब स्ट्रेटेजिकली चूज़ किया ना कि बहुत ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे, मतलब वन स्टॉप शॉप है. एक जगह आ गए सब कुछ मिलेगा. अमाउंट ऑफ क्राउड इज़ इनक्रेडिबल. मुझे डोमिनोज नज़र नहीं आ रहा यार, डोमिनोज चाहिए मेरे को. कौन चीज़ इसने ऑर्डर किया था, अभी जाके एक टेबल मिली है इसी तरह से. अभी मैं अकेले बैठा हूँ, खाते हैं यार. '62 में ये पेप्सी मिला है, वो भी बिना पेप्सी लिखा हुआ, स्मॉल. बाप रे बाप, क्या खतरनाक कॉस्ट लगाते हैं यार ये लोग. बाय द वे दैट सिज़लर वाज ऑसम. मॉल ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया अभी खा के. और ख़ास करके पता नहीं ये ह्यूमिडिटी का असर है या खाने की गर्मी का, इतनी जल्दी जल्दी खा लिया ना, अंदर जल गया अभी पूरा. यही तो है, ये इसको बोलते हवस. सिज़लर को इतनी जल्दी खाओगे तो जलेगा ही. 9 बजे की बस है यार, 9:15. आई थिंक आई विल हैव टू पास टाइम टिल देन. सो आई एम हियर इन लाइफ स्टाइल लुकिंग टू बाई अ कार्गो फॉर मी, राइडिंग कार्गो. अच्छी लगेगी नहीं वैसे. बाय द वे, इफ यू गाइज हैव एन ओपिनियन एंड इफ यू वॉन्ट टू सजेस्ट मी, वॉट वुड यू सजेस्ट मी आउट ऑफ दोज टू, लाइक Z900 और द कावासाकी रेंजा 650. इफ़ यू कैन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. अभी देख लो, रबर टूट गया, हो गया ना तेरे नाम चक्का जाम. क्या करो यार, अरे भाई मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है यार. अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा. एंड कार्स आर लाइक क्यूड अप क्यूड अप क्यूड अप. एवरीथिंग इज कमिंग 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 कमिंग. नथिंग इज आउट गोइंग. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनकमिंग ट्रैफिक. आई थिंक टैग कम्प्लीट्स द व्लॉग. दिस इज इट. दिस वॉज Esplanade 1 in Bhubaneswar. Thank you for watching. Bye bye. If you like the video, do it the thumbs up. And if you didn't like, you know what to do. Okay, bye bye.